गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर टू पढ़ाने जा रहे हैं, साइंस में कंपोनेंट ऑफ फूड। आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि टेस्ट बता रहे थे कि टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग, स्टार्च का, प्रोटीन का और फैट्स का। तो हमने एक आपको टेस्ट बता दिया था स्टार्च का, ठीक है। आपको आज बताने जा रहे हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं। लेकिन आप इससे पहले जो वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि टेस्ट स्टार्च का क्या कैसे बताए थे, आपको बताए थे हमको रा पोटैटो लेना है, इंग्रेडिएंट्स कोई लेना है या तो फिर हमें फूड आइटम्स लेना है। उस छोटे से टुकड़े पे फूड आइटम्स लेना है और उस पर हमें दो ड्रॉप क्या गिराना है, आयोडीन सोलूशन गिराना है। अगर दो ड्रॉप आयोडीन सोलूशन गिराते हैं और उसमें ब्लू ब्लैक कलर प्रेजेंट हो जाता है तो ये हमारा स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। ये स्टार्च का टेस्ट है। अब आपको हम प्रोटीन का टेस्ट बताने जा रहे हैं, ठीक है। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। हम छोटा सा कोई फूड आइटम्स लेते हैं टेस्टिंग करने के लिए। और इफ़ द फूड यू वांट टेस्ट इज सॉलिड, या तो हम सॉलिड में ले लेते हैं या तो पेस्ट में ले सकते हैं, ठीक है, या पाउडर फॉर्म में भी या तो पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। ग्रिंड और मेस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, जैसे पिसा हुआ है, जो पिसा होता है उसको भी ले सकते हैं, छोटा फूड आइटम्स को कम मात्रा में। पुट स्मॉल ऑफ दिस इन क्लीन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसको साफ करेंगे, उससे अच्छी तरीके साफ करेंगे, ठीक है। और 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, उसमें 10 ड्रॉप हमको वाटर डालना है। कितना ड्रॉप डालना है, 10 ड्रॉप हमको ड्रॉपर के थ्रू हमें 10 ड्रॉप डालना है। आपको बताया था ना कौन कौन सा जो सॉल्यूशन जो है, आपको कौन कौन सा चीज रिक्वायरमेंट होती है हमें टेस्ट करने के लिए, तो वाटर बताए थे और जो आयोडीन सॉल्यूशन बताए थे, कॉस्टिक बताए थे, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट बताए थे। ये इतना चीज़ बताए थे कि आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो यही बताया जा रहा है कि पुट इस सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, एक छोटा सा ट्यूब लीजिए, उसको साफ़ कर लीजिए और साफ़ करने के बाद जो है उसको वाटर से भी साफ़ कर सकते हैं। और 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू, ठीक है, 10 ड्रॉप जो होता है, 10 ड्रॉप वाटर ले लेते हैं और उसको हम अच्छी तरीके से मिलाते हैं, यानी फूड आइटम्स ले लेते हैं, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर फूड आइटम्स डाल लेते हैं और उसके अंदर 10 ड्रॉप वाटर डाल लेते हैं, उसको अच्छी तरीके से मिलाते हैं। और ना यूजिंग ए ड्रॉपर, फिर से हम ड्रॉपर का यूज करते हैं और उसमें दो ड्रॉप जो होता है कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, दो ड्रॉप जो है कॉपर सल्फेट का सोलूशन मिलाते हैं और 10 ड्रॉप जो है हम कास्टिक सोडा मिलाते हैं, ठीक है, कास्टिक सोडा का सोलूशन मिलाते हैं। इन मिलाने के बाद टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, सेक करेंगे, यानी उसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे एंड वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट, और कुछ देर के लिए उसको छोड़ देंगे, कुछ देर के लिए हम कुछ मिनट के लिए छोड़ देंगे। व्हाट डू यू सी, आप क्या देख रहे हैं, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, इस तरह से टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे होंगे कि वो जो होता है टर्न कर जाता है वायलेट कलर में, किस कलर में, वायलेट कलर में अगर टर्न कर गया है, टर्न कर जाता है तो ये वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम्स, इस तरह से हमारा वायलेट कलर जो होता है प्रेजेंट होता है फूड आइटम्स में, ठीक है। अब आपको हम एक बार फिगर बना के बता दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, और टेबल 2.2 आपको हम बना कर दिखाए थे और आप बना लीजिएगा उसको फिर से, ठीक है। टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन का टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीन टेस्ट ट्यूब, कोई भी डस्ट न लगाओ, क्लीन टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, ठीक है। और क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें टेन ड्रॉप वाटर लेंगे। पहले तो इसके अंदर क्या होता है, फूड आइटम्स होते हैं, स्मॉल पीस ऑफ फूड आइटम्स। ये फूड आइटम्स आपको बताए थे पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है, पेस्ट फॉर्म में भी हो सकता है और छोटा सा टुकड़ा भी हो सकता है, स्मॉल पीस ऑफ फूड आइटम्स।
ठीक है, आप एक टेस्ट ट्यूब साफ टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसके अंदर फूड आइटम्स डाल दीजिए और 10 ड्रॉप वाटर डाल लीजिए। किससे? वाटर ड्रॉप ड्रॉपर के थ्रू, ड्रॉपर के थ्रू इसमें क्या करिए, 10 ड्रॉप वाटर डाल लीजिए। मान लीजिए हमारा ये 10 ड्रॉप वाटर हो गया इसके अंदर। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको अच्छी तरीके से टेस्ट ट्यूब को हिलाइए, यानी उसको अच्छी तरीके से मिलाइए कि ये जो वाटर और ये फूड आइटम्स होते हैं ये दोनों मिल जाए। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे, 2 ड्रॉप जो होता है, 2 ड्रॉप क्या लेंगे, 2 ड्रॉप हम कॉपर सल्फेट लेंगे। ये क्या है हमारा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। आपको बताया था अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो ये रेडीमेड भी हम बना सकते हैं, आपको बनाया गया अभी था। ठीक है, तो कॉपर सल 2 ड्रॉप जो होते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, और 10 ड्रॉप वाटर ले लेते हैं। उसके बाद जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 2 ड्रॉप मिलाने के बाद क्या करेंगे, इसमें 10 ड्रॉप जो है कास्टिक सोडा मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, कास्टिक सोडा। ये भी क्या है, सॉल्यूशन ही है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक क्लीन टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसमें फिर फूड आइटम्स स्मॉल पीस ऑफ फूड आइटम्स डालेंगे। उसके अंदर डालने के बाद क्या करेंगे कि इसमें जो है 10 ड्रॉप वाटर मिलाएंगे, 10 ड्रॉप वाटर इसमें लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, और 10 ड्रॉप जब वाटर इंटर कर जाएगा तो फिर क्या करेंगे, इसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलाएंगे। 2 ड्रॉप जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिला लेंगे तो उसमें 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा मिलाएंगे। जब इतना सॉल्यूशन मिलाने के बाद ये हमारा फूड आइटम्स जो होता है, ये हमारा फूड आइटम्स वायलेट कलर अगर आपको इसमें दिखाई देता है तो हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर वायलेट कलर यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमारा प्रोटीन जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, प्रोटीन का टेस्ट यही होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, प्रोटीन का टेस्ट बिल्कुल इजी है। आपको एक सिंपल टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब को साफ टेस्ट ट्यूब को लेने के बाद उसमें इसकी स्मॉल पीस ऑफ टुकड़ा यानी कोई भी पेस्ट ले सकते हैं फूड आइटम्स का, चाहे उसके अलावा पाउडर ले सकते हैं। और ये लेने के बाद उसमें जो है उसमें क्या करेंगे आप, उसमें 10 ड्रॉप वाटर डालेंगे। सबसे पहले 10 ड्रॉप वाटर डालेंगे, फिर उसके बाद 2 ड्रॉप जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे, और उसके बाद 10 ड्रॉप जो होता है कास्टिक सोडा इसमें एंटर कर देंगे। तो ये हमारा तीनों मिलाएंगे तो हमारा अगर वायलेट कलर फूड आइटम्स में वायलेट कलर अगर दिखाई दे रहा है आपको तो हमारा प्रोटीन एस होगा यानी प्रेजेंट है, और अगर नहीं दिखाई दिया तो आपको ये अब्सेंट रहेगा। ठीक है, आपको टेबल 2.2 में आपको बताया था कि जैसे रॉ मटेरियल हो गया, फूड मिल्क हो गया, ये फूड आइटम्स है, तो इसमें हम देखेंगे 3 टेस्ट लिख देंगे, आपको बताया तो थे, इसमें देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब आपको टेबल भी बना देते हैं एक बार, आपको टेबल 2.2 आपके बुक में बना हुआ है, मैं आपको इसके पहले वीडियो में बना चुका हूं, लेकिन एक बार और बना देते हैं आपको टेबल, क्योंकि ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे फूड आइटम्स दिए हुए हैं, फूड आइटम्स क्या क्या हैं, फूड आइटम्स हमारा रॉ पोटैटो है फर्स्ट पॉइंट, मिल्क है सेकेंड पॉइंट, ठीक है, और थर्ड पॉइंट में ग्राउंड नट मान लीजिए। ठीक है, बादाम। अब ये रॉ पोटैटो में यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे स्टार्च, प्रोटीन, फैट। ठीक है, तो रॉ पोटैटो हमारा किस में प्रेजेंट होता है, स्टार्च में प्रेजेंट होता है, तो इसको यहाँ पे एस लिख देंगे और यहाँ पे गैप। यहाँ पे मिल्क किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क प्रोटीन में पाया जाता है, तो प्रोटीन का हम टेस्ट ऐसे भी करके देख सकते हैं जैसे आपको बताए थे, तो ये हमारा लिख देंगे यहाँ पे एस, यहाँ पे।
ग्राउंड नट हमारा ऑयली चीज़ होता है, तो ऑयली चीज़ किस में प्रेजेंट होता है, ऑयली चीज़ हमारा इसमें प्रेजेंट होता है। अब इसका कैसे ऑयली चीज़ आप पता करेंगे कि इसमें ऑयली है कैसे नहीं है, ये आपको हम इसमें बता रहे हैं, ठीक है। टेस्ट फॉर फैट, आपको अब हम अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं, टेस्ट फॉर फैट, फैट के क्या क्या टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये आपको तीनों टेस्ट टेबल में आपको बनाना है, ऐसे भी और भी दिए हैं फूड आइटम्स जो आप अपने एक बार चेक करके बताइएगा कि कैसे कौन सा टेस्ट प्रेजेंट है, ऐसा है कौन सा नहीं है, ठीक है। अब आपको टेस्ट फॉर फैट, फैट का टेस्ट बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। फैट का टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, फैट का टेस्ट में भी देखिए, पहले आपको बुक में पढ़ के बता देते हैं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए फूड आइटम्स का और रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर, और उसको पेपर में लपेट दीजिए एंड क्रश इट, और उसको थोड़ा दबाइएगा, ठीक है। टेक केयर दैट, ध्यान दीजिएगा कि द पेपर डज नॉट टियर, पेपर फटना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा दबाइएगा कि पेपर फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और उसको पेपर को सीधा कीजिए, यानी उस पेपर को ओपन करिए और ऑब्जर्व करिए केयरफुली, ध्यान से, कि डज इट हैव ओनली एन ऑयली पैचेज, आपको कोई ऑयली पैचेज आपको दिखाई दे रहा है, धब्बा। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, उसको लाइट में लाइए और लाइट में लाकर उसको देखिए कि वो आपको कुछ दिखाई दे रहा है उसमें धब्बा, कोई ऑयली धब्बा दिखाई दे रहा है, तो एन ऑयली पैचेज ऑन ए पेपर शो, अगर पेपर शो आपको ऑयली पैचेज दिखाई दे रहा है उस पर, तो दिस इज फूड आइटम्स कंटेन फैट्स। इस तरह से हमारा जो फूड आइटम्स होता है वो फैट होता है, ठीक है। फैट में क्या बताया जा रहा है आपको, पहले ये ध्यान दीजिएगा, आपको ऑयली फूड आइटम्स ही लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लीजिए पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे कि फूड आइटम्स यहाँ पे ले लीजिए, फूड आइटम्स में मतलब पराठा, पराठा जो एक टुकड़ा ले लीजिए पराठे का, ठीक है। और उसको क्या करिए, उसको अब इसको क्या कर दीजिए, रैप कर दीजिए, इस पेपर को रैप कर दीजिए, रैप मतलब लपेट दीजिए इसको, ठीक है। जब आप इस पेपर को, इसमें फूड आइटम्स ले लिए, अब फूड आइटम्स के बाद उसको इस पेपर को लपेट दीजिए, लपेटने के बाद क्या करिए, उसको थोड़ा हल्का से दबाइए, ठीक है। हल्का से दबाइए, ऐसा मत दबाइए कि पेपर फट जाए, ठीक है। तो उसको आप ऐसा हल्का से दबाइए, क्यों आपको हल्का से दबाना है आपको, और दबाने के बाद फिर क्या करना है, पेपर को ओपन करिए, जो फोल्ड कर देते हैं पेपर उसको ओपन करिए। जब आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो पेपर को लाइट में लाइए, यहाँ लाइट है, ठीक है। लाइट में आप लाइए पेपर को, और लाइट में आप लाकर देखिए उसको कि उसमें ऑयली पैचेज आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर ऑयली पैचेज वहाँ पे, जाहिर सी बात है, जब ऑयली पैचेज आए और तो हमारा ऑयली पैचेज दिखाई देगा, तो हमारा वहाँ पे क्या होगा, फैट प्रेजेंट होगा। जो हमारा फूड आइटम्स होते हैं वो फैट प्रेजेंट, इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं फैट का, ठीक है। तो आपको स्टार्च का टेस्ट, प्रोटीन का टेस्ट और फैट का टेस्ट, ये आपको तीनों बता दिया गया है। आपको फैट टेस्ट एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जो एक पहले पीस ऑफ पेपर, पेपर का एक टुकड़ा लीजिए, उसके बाद उसको फूड आइटम्स जो होते हैं, जैसे पराठा हो गया, वो फूड आइटम का टुकड़ा लीजिए, और फूड आइटम का टुकड़ा लेकर बीच में रख दीजिए, और पेपर को रैप कर दीजिए, लपेट दीजिए। लपेटने के बाद क्या करेंगे, या पेपर को फोल्ड कर दीजिए, लपेटने के बाद उसको क्या करेंगे, उसको हल्का से प्रेस कीजिए, यानी उसको हल्का से दबाइए, और दबाएंगे जब भी, तो दबाने के बाद क्या होगा, क्रश करने के बाद उसको, तो ऐसा मत दबाइए क्योंकि पेपर फटे, और उसके बाद जो है पेपर को ओपन कीजिए। जब पेपर को आप ओपन करेंगे और लाइट के प्रेजेंस में उसको देखेंगे, तो यहाँ पे ऑयली पैचेज आपको दिखाई देंगे, वो ऑयली पैचेज हमारा फूड आइटम्स पे फैट्स कहलाते हैं, ठीक है। यही हमारा फैट्स का टेस्ट होता है,
ठीक है, द फूड आइटम्स मे समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर, देयर फोर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर वाइल, इफ देयर देयर वेयर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर समटाइम्स इफ नो ऑयली पैचेस शो अप आफ्टर दिस द फूड आइटम्स डज नॉट कंटेन एनी फैट। यानी इसमें बताया जा रहा है कि आप एक पेपर ले लीजिए और उस फूड आइटम्स को जो है उसको पानी में डुबो दीजिए, वाटर में, जब उसको वाटर में डुबो कर उसको उसको लपेट दीजिए, पेपर में लपेट दीजिए और लपेटने के बाद फिर उसको ओपन करिए और उसको थोड़ा सा हल्का सा दबाना नहीं है इसमें, उसको सुखाना है। ठीक है, उस पेपर को क्या करिए, उसको पेपर में लपेटने के बाद उसको ओपन करिए, ओपन करने के बाद थोड़ा देर सुखाइए उस पेपर को और सुखाने के बाद देखिए कि उसमें कोई ऑयली पैचेज आपको दिखाई दे रहा है, उसमें ऑयली पैचेज कोई भी नहीं दिखाई देगा, इस तरह से वहाँ पे हमारा फैट प्रेजेंट नहीं है। व्हाट डू दिस टेस्ट शो, इस टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि आर फैट प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स दैट यू आर टेस्ट, इस तरह से हमें पता चलता है कि फूड के अंदर ये हमारा स्टार्च प्रोटीन और फैट ये प्रेजेंट हैं या नहीं है। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, इस तरह से एक से भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट इसमें हो सकते हैं या नहीं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम्स, आप क्या हम कुछ क्या पता कर सकते हैं कि जो फूड आइटम्स होते हैं वो डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द किसी भी न्यूट्रिएंट के नहीं बने होते हैं। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर थ्री न्यूट्रिएंट्स, इस तरह से हमारे जो टेस्ट होते हैं वो थ्री न्यूट्रिएंट्स के होते हैं। थ्री न्यूट्रिएंट्स आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और फैट्स होते हैं। There are also other nutrients like vitamin or minerals, इसके अलावा हमारा तीन nutrients के बाद हमारा other में other nutrients हमारा mineral और vitamin भी होते हैं। ठीक है, और what do various nutrients for our body, इस तरह से हमारे body को कैसे ये nutrients करेगा, कैसे absorb करेगा, ये आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारा next topic है कार्बोहाइड्रेट, आपको next topic पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट आप समझ जाइए कि एक हमारा होता है एनर्जी गिविंग फूड, इसको पढ़ाने से पहले आपको कुछ पॉइंट बता दें। एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी देने वाले हमारे फूड कौन से होते हैं, आपको बताया गया ना कि इन तीनों न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारा अदर में कौन सा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल और विटामिन्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये तीनों के बाद अब दूसरा पॉइंट है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी गिविंग फूड के बारे में हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और फैट आल्सो गिव्स एनर्जी, और फैट भी होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी एनर्जी गिविंग फूड हमारे कौन कौन से हो गए, कार्बोहाइड्रेट, एंड फैट्स। ये आपको पूछेगा कि एनर्जी गिविंग फूड के एग्जांपल बताइए, तो हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट हमारे किस में पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे पोटैटो में पाए जाते हैं, शुगर केन में पाए जाते हैं, पपाया में पाए जाते हैं, इसमें आपको फिगर बनाकर दिखाया गया है बुक में, आप एक बार बुक देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, शुगर केन में पाए जाते हैं, पपाया में पाए जाते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आपको बुक में दिखाया गया है। ठीक है, तो आप बुक में इसको फिगर एक बार देख लीजिएगा, और ये हमारे क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, और ये फैट्स भी होते हैं। फैट्स हमारा कौन कौन से आएगा, फैट में हमारा ग्राउंड नट आएगा, ग्राउंड नट एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, ग्राउंड नट, बादाम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड नट आता है हमारा, ये हमारे क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी गिविंग फूड आपको बता दिया, अब आपको बता रहे हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में हमारा आता है प्रोटीन, हम किसको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन को कहते हैं।
बॉडी बिल्डिंग फूड हमारा कौन सा होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब प्रोटीन जो होता है हमें आवश्यकता होती है ग्रोथ करने की, यानी हाइट बढ़ाने के लिए। हाइट बढ़ाने के लिए हमारा प्रोटीन जो होता है बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, और अपने बॉडी को रिपेयर भी कर सकते हैं। फूड प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए क्या क्या होता है। मिल्क, मिल्क में आपको बहुत मिल्क होते हैं, पल्स होते हैं, सोयाबीन होते हैं, और भी एग्जांपल दिए गए हैं बुक में। आप अपने बुक में इसके फिगर भी देख लीजिएगा प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, तो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन्स जो हमारे होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं हमें बॉडी, और प्रोटीन्स जो होता है मेनली हमारा हाइट बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। और उसके जो एग्जाम्पल है प्रोटीन्स के, मिल्क होते हैं, पल्स होते हैं, सोयाबीन्स होते हैं, और भी एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए गए हैं फिगर के साथ, आप फिगर के साथ देख लीजिएगा। आई होप कि आपको आज समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, और जो आपको, और ये अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आंसर कीवर्ड होगा वो हम आपको बाद में बता, आपको व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।